नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं इंडियाज वर्ल्ड और मेरे साथ जुड़े हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन संजय जोशी। संजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस हफ्ते इंडियाज वर्ल्ड में जिन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, उनमें से जो कुछ अहम मुद्दे जो दुनिया के सामने एक संकट बनकर खड़े हैं, वो ये कि कोविड का एक नया वेरियंट एक बार फिर से दुनिया के सामने खड़ा हुआ है और दुनिया के सामने ये चुनौती है कि आप इससे कैसे जूझे। ओमिक्रॉन नाम है इसका और इसकी चुनौती दुनिया के सामने है। दक्षिण अफ्रीका से इसकी शुरुआत होकर ये यूरोप के कई देशों में, इसराइल में, यहां तक कि हांगकांग में भी इसके केसेस पाए गए हैं। तो एक तो ये है और अब देखेंगे कि क्या इस दफा विश्व के तमाम देश जो हैं वो बेहतर तैयार हैं इससे जूझने के लिए, इससे निपटने के लिए। दूसरी कि राष्ट्रपति बाइडेन और शी जिनपिंग की शिखर वार्ता हुई है। चीन और अमेरिका के बीच में जो कई क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा है, जो शीत युद्ध की बात होती है, वो कहां बढ़ रही है और साथ साथ एक माइग्रेंट क्राइसिस भी यूरोप के दरवाजे पर है। तो इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। संजय जी, मैं शुरुआत करना चाहती हूँ ओमिक्रॉन से, वो नया वेरिएंट जो अब दुनिया के सामने है और फिर से एक चुनौती है। तो सवाल ये है कि पिछली महामारी से हमने क्या सीखा है, क्योंकि हम फिर देख रहे हैं कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, उड़ानों पर प्रतिबंध, ये तमाम चीजें उसी तरह से की जा रही है जैसे पहले हुई थी। बल्कि साउथ अफ्रीका अफ्रीका का ये कहना है कि हमने पहले केसेस रिपोर्ट किए तो आप हमें ऐसे हमारे साथ बर्ताव करें जैसे हमने कुछ गलत किया। ये तो अब कई देशों में देखा जा रहा है। किस तरह से WHO, दूसरी वैश्विक संस्थाएं पहले से बेहतर क्या तैयार हैं, वही कहानी दोहराई जा रही है। इनमें क्या क्या नया होना चाहिए? लोग कह रहे हैं कि इस दफा हमें देखना चाहिए था कि एक मल्टी सेक्टोरल हेल्थ अप्रोच सामने आता, पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो जो पिछला कोविड हमने देखा, महामारी देखी, उससे दुनिया ने क्या सीखा है? नगमा जी, ओमिक्रॉन वेरियंट के बारे में अभी अभी खबरें बाहर आई है और अगर आप रिस्पॉन्स को देखें, किस तरीके से हम लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी है कुछ भी कहती रहे, कुछ भी सीखती रहे, लेकिन जो राज व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ज्यादा इससे अभी भी नहीं सीख पाई। और हम देखते हैं कि वही उसी तरीके के रिस्पॉन्स जो 2 साल पहले, 1.5 साल पहले हमको देखने को मिले थे, वो आज फिर दुनिया भर में तुरंत जैसे ही साउथ अफ्रीका ने घोषणा की कि नया वेरिएंट की हमने जीनोम सीक्वेंस कर ली है, तो तड़ातड़ आपने देखा कि इसराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूके, जितने जितने अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका उन देश से लोग आने वाले थे, उनके ऊपर ट्रैवल बैन का रेस्ट्रिक्शन सीधे लगा दिया। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि क्या अभी भी सब देश ये मानते हैं, चीन को गाली देते हैं कि क्या अभी भी सब देश के राजनीतिक ये मानते हैं कि चीन का रास्ता कोविड से लड़ने का सबसे अच्छा रास्ता, इस तरीके के बैन लगाना, लॉकडाउन करना, सब चीजें बंद कर देना, और इसके परिणाम क्या होंगे दुनिया में, उसके बारे में कोई भी दूरगामी सोच देने को तैयार नहीं। तो WHO भी बार बार कह रहा है, देखिए WHO की एक बड़ी विचित्र स्थिति है, WHO अब अपने आप में खुद कुछ नहीं कर पाता, वो सिर्फ एडवाइस देता है। और WHO ने खुलकर के सामने आकर के बोला है कि इस तरीके के ट्रैवल बैन बिल्कुल मदद नहीं करते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने तो सिर्फ जीनोम सीक्वेंसिंग की है, ये वेरिएंट आया कहां से है और आज भी ये सब जगह फैल चुका है, जो अगर ये कहीं शुरू हुआ तो वो चिड़िया तो उड़ करके फरार हो गई, कहीं और पहुंच गई, बेल्जियम में है, हो सकता है अमेरिका पहुंच गया हो, यूरोप के किसी भी देश में हो सकता है, और केसेस धीरे धीरे निकल रहे हैं। तो ये ट्रैवल बैन अब करके फायदा क्या होगा? ट्रैवल बैन तो तभी करने का फायदा जब आप वास्तव में इसको लागू करके इस वायरस को फैलने से रोक सके, लेकिन रोक नहीं पा रहे। और साइंटिफिक कम्युनिटी शुरू से कहती आ रही है कि ये जो कोविड है, इस तरीके के जितने भी कोरोना वायरस होते हैं, पर ये पहला कोरोना वायरस नहीं है, इसमें म्यूटेशन होगा, म्यूटेशन लगातार होगा, म्यूटेशन बार बार होगा, और इस तरह की स्थितियां बार बार आती रहेंगी। अंततः उम्मीद है, ये नहीं कह सकते कब ऐसी स्थिति आएगी, कि वेरिएंट जो डोमिनेंट वेरिएंट होगा वो एक कम घातक वेरिएंट में परिवर्तित हो जाएगा। हर फ्लू के साथ यही होता है, स्पैनिश फ्लू के साथ यही हुआ था। तो कोरोना का भी मार्ग अंततः वही है, लेकिन ये स्थिति कब आएगी उसके बारे में आज भी कहना असंभव है। हो सकता है ओमिक्रॉन वो स्ट्रेन हो सकता है इसके अगले वाला वो स्ट्रेन हो, लेकिन तब तक हाँ एहतियात बरतनी है। लेकिन जो जीवन की गति है, देखिए आप 3-4-5 साल तक दुनिया को ट्रैवल बंद कर दीजिए, इस तरीके के रेस्ट्रिक्शन लगा दीजिए, ऐसे नहीं चल सकता। तो सबसे पहले इससे जो नुकसान होता है,
और साउथ अफ्रीका बार बार इस बात को कह रहा है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग, हमने तो गलती सिर्फ ये की कि हमने बता दिया कि हमने जीनोम सीक्वेंसिंग कर ली है, तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो? आप ये मैसेज देना चाह रहे हो कि चीन ने छुपा करके ठीक किया, जब उसने 2 महीने छुपा करके रखा, कि हर देश को यही करना चाहिए? तो हमारे जो मिक्स सिग्नल्स जा रहे हैं राजनेताओं की तरफ से, जो बड़ा नीजर्क रिएक्शन हो रहा है बार बार बिना सोचे समझे इस तरीके के आनन फानन में रिस्ट्रिक्शन लगाना, ये बिल्कुल भी कारगर नहीं है। वास्तव में अगर कोरोना से लड़ना है, और ये हमारे साथ कुछ समय तक है, तो इसके बारे में जो जिस तरीके से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो मास्किंग के रिस्ट्रिक्शंस हैं, टेस्टिंग के रिस्ट्रिक्शंस हैं, वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा हो, वो सब चीजें, उन पर लगातार जोर देने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा लेसन इससे होता है कि किसी भी देश को ये मत सोचिए ये तो हमारा इससे मतलब नहीं है, हम अपने देश में वैक्सीनेशन कर लिया, हमने 80% वैक्सीनेशन कर लिया तो हम जीत गए। आप नहीं जीते। जब तक हर आदमी सुरक्षित नहीं है कोने कोने में इस दुनिया के, आप बिल्कुल सुरक्षित नहीं हो। नए वेरिएंट कहीं से भी बन करके आपको ही आप पर ही हमला करेंगे। देखिए, किसी को ककड़ी कीड़ा ना समझिए, वरना वही बिच्छू बन करके आपको डंक मारने आएगा। तो ये पहला लेसन है इसका। और हमारी जो वैक्सीनेशन में विषमता है, वैक्सीनेशन बहुत अधिक विषमता है सभी देशों के बीच में, इन विषमताओं को अर्जेंटली दूर करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, प्रॉब्लम यह है कि सब देश एक तरह से जो बिल्कुल अपने रजाई में मुंह छुपाए अपने अपने देश की चिंता कर रहे हैं, मुंह बाहर नहीं निकाल रहे हैं कि बाहर कुछ नहीं दिखेगा तो कुछ नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है। आपको आपस में बात करके, सहयोग कोऑर्डिनेशन करके इससे लड़ना है। तो ये वक्त है, ये कोरोना वायरस है, ये वक्त है सबको एकत्रित होकर के साथ काम करने का। और यही लेसन हम लोगों की जो आज की विश्व राजनीति है, यही सीख नहीं ले पा रही है। ये सबसे बड़ी कमी है जिसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। और अगर ये सीख हम कोरोना से नहीं ले रहे हैं, तो हम किसी भी जो विश्व के सामने तमाम और समस्याएं हैं, कोरोना तो पहली एक, मैं कहूंगा एक चेतावनी है कि दुनिया बदल रही है, दुनिया का स्वरूप बदल रहा है और हमारे चैलेंजेस बदल रहे हैं। अगर इन चैलेंजेस को हम मिलकर के साथ सामना नहीं करेंगे, तो फिर वास्तव में हमारा भविष्य बहुत अंधकारमय है। ये एक सिंपल लेसन है जो हमको कोरोना सिखा रहा है, अगर हम आज भी सीखने को तैयार नहीं। लगता यही है कि हम आज भी सीखने को तैयार नहीं है। जो समय, जैसा आपने कहा कि नीजर्क रिएक्शन दुनिया भर से देखा गया है, और सभी देश ये सोच रहे हैं कि अगर हमने अपनी आबादी को वैक्सीनेट कर लिया तो काफी है, काफी नहीं है। क्योंकि ये देखा गया है इस बार भी कि बहुत सारी सरकारें नाकाम रही हैं अपने साधनों को बांटने में भी, संसाधनों को, और दुनिया की शायद एक तिहाई आबादी वैक्सीनेटेड है, लेकिन अगर हम अफ्रीका की ही बात करें तो शायद 6.7% आबादी है जो कि पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है। साल भर से बात चल रही है कि IPR शेयर करिए, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है कुछ देशों के हाथ में नहीं रहना चाहिए, इसको डिसेमिनेट करिए। देखिए, इस पे मानव जाति का भविष्य निर्भर है। तो ये आप IPR को लेकर के कहां क्या 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 करना चाह रहे हैं, उसका अचार डालेंगे उस IPR का, क्या करेंगे जब खरीदने वाले आदमी नहीं बचेंगे? तो ये जो पूरा IPR का झंझट शुरू कर दिया है, और कुछ देश हैं जो IPR शेयर ही नहीं करना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी कमी रही है हमारे रिस्पांस में। अभी भी सीख लीजिए, और इससे अगर आपको वास्तव में इसको हैंडल करना है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा ब्रॉडबेस करने की, बढ़ाने की बहुत आवश्यक है इन वैक्सीन को। बिल्कुल, और ये भी देखना होगा कि किस तरह से WHO जो है वो ज्यादा एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन कर सकता है या करे तमाम देशों के बीच में। आपने बात की कि कोरोना तो एक वो समस्या है जो दुनिया के सामने है, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं जिनमें देशों का सहयोग चाहिए, वहां पे वो हो नहीं रहा है, लग रहा है कि सबक नहीं लिया हमने। बात करते हैं अगर हम दो महाशक्तियों की, चीन और अमेरिका की, तो राष्ट्रपति बाइडेन और शी जिनपिंग की शिखर वार्ता हुई, जिससे बहुत सारे लोगों को बहुत उम्मीद नहीं थी, बस यही कोशिश थी कि कम से कम बातचीत तो हो। इस मीटिंग से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, कई विश्लेषकों ने कहा है कि चलिए बातचीत हुई, पर बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर सहयोग की उम्मीद है, लेकिन टकराव और प्रतिस्पर्धा जो है वो भी बहुत सारे क्षेत्रों में है, चाहे वो ट्रेड वॉर
हो, चाहे वो ग्रीन टेक्नोलॉजी हो, या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो सिंजियांग में, या फिर ताइवान हो, तो इनकी जो ये बातचीत हुई है उसको आप कैसे देखते हैं, कहाँ हम आगे बढ़े हैं? शीत युद्ध की बात के बीच हो रही है, डर है कि कहीं ये हॉट वॉर में ना बदल जाए, खास करके अगर ताइवान जैसे क्षेत्र हैं या दूसरे जियोपॉलिटिकल इलाके हैं। देखिये, चीन और अमेरिका का जो द्वंद चल रहा है उसमें भी समस्या वही है कि जो दोनों, चाहे बाइडेन हैं चाहे प्रेसिडेंट सी हैं, उनके जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं वो अधिकांश अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, जो अपनी अपनी घरेलू ऑडियंस है, उसको दिखाने के लिए ज्यादा होते हैं। तो ये एक नाटक मंडली बन गई है, इवेंट मैनेजमेंट हो गया है एक तरीके से, और दिखाना दोनों को है कि हम में से कोई झुकने वाला नहीं, और हमारा पल्ला ऊपर है। अमेरिका दिखाना चाहता है कि मेरा पल्ला ऊपर है, चीन दिखाना चाहता है मेरा पल्ला ऊपर है। और जो इसमें खैर कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन अंततः सिग्नल्स मिक्स ही जा रहे हैं भविष्य के बारे में। अच्छी बात चीन के दृष्टि से यह है कि अमेरिका ने एक तरीके से मान लिया कि चलो वन चाइना पॉलिसी पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम अभी भी वन चाइना पॉलिसी पर बरकरार। तो यूएस ने स्पष्ट कह दिया जो बात बार बार उठ रही थी, चीन बार बार कह रहा था कि हमारी वन चाइना पॉलिसी बरकरार है और हम किसी भी हालत में इस वन चाइना पॉलिसी पर कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो यूएस ने इस बात को मान लिया कि वन चाइना पॉलिसी पर अमेरिका की जो जो भी नीति है वो नहीं बदली है। लेकिन साथ ही ये भी है कि यूएस जो है, कोई भी एक पक्षी कार्रवाई अगर चीन करता है ताइवान का जो स्थिति है उसको बदलने के लिए, तो फिर उसमें यूएस उसको उसका उसका विरोध करेगा। ये नहीं कहा कि हस्तक्षेप करेगा, लेकिन कहा कि विरोध जरूर करेगा। तो एक तरीके से एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी अभी भी बनी हुई है। हालांकि चीन कह रहा है कि हमारा कभी भी इरादा नहीं है, बार बार इस बार भी कहा कि हम तो शांतिपूर्ण ढंग से रीयूनिफिकेशन चाहते हैं, एक चीन है, हम उसको एक चीन बनाएंगे, तब तक ये व्यवस्था चलती रहेगी और हम शांतिपूर्ण ढंग से ताइवान और चीन का विलय अंततः करेंगे। वो आज भी इस बात पर कायम है कि ये हमारा उद्देश्य है। तो देखिए, वो स्थिति यथास्थिति बनी हुई है, एक तरीके से स्टे ऑर्डर मिल गया है पूरी पूरी परिस्थिति को इस प्रश्न पर। लेकिन लौटते ही फिर यूएस ने कहा कि हम एक डेमोक्रेसी का समिट करेंगे, उसमें ताइवान को बुलाया है, चीन को नहीं बुलाया, तो वहां से फिर नोकझोंक शुरू होगी दोनों के बीच में। तो ये जो एक नोकझोंक का सिलसिला चल रहा है, कभी हाथ मिला रहे हैं, कभी एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, ये सिलसिला अभी भी लगातार चल रहा है। और अगर अमरीका से जो अमरीकी राष्ट्रपति के या अमरीका की तरफ से आने वाली आप रिलीज को देखें, इसमें कोई ज्वाइंट रिलीज नहीं आया, अलग अलग रिलीज आया दोनों देश, तो उसमें जो एम्फेसिस दिया गया है, जो जोर दिया गया है कि हम लोग गार्ड रेल स्थापित करना चाहते हैं। जैसा समझ लीजिए कि दो गाड़ियां बड़ी तेजी से आपस में रेस लगा रही है, कंपटीशन कर रही हैं, कहीं टकरा ना जाए, एक दूसरे का नुकसान ना कर दें, पूरा स्टेडियम बर्बाद ना कर दें, इसके लिए गार्ड रेल लगाना जरूरी है, इसलिए हमारी बातचीत करना आवश्यक है। तो अभी भी देखिए, सहयोग की बात दोनों पक्षों के बीच में, दोनों पक्ष अभी भी करने को वास्तव में राजी नहीं है। और इसलिए राजी नहीं है कि वर्तमान परिस्थिति में किसी भी देश की अंदरूनी राजनीति इस सहयोग को सपोर्ट नहीं करती। तो ऐसी स्थिति में जब जब दोनों अपना पल्ला भारी रखना चाहते हैं, तो यही यथास्थिति बनी रहे, स्टे ऑर्डर लगा रहे, स्टेटस को बना रहे, एक यही एक सोल्यूशन हो सकता है। और वही अंततः आप आपको देखने को मिला इन टॉक्स के बाद। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा है कि अभी भी वो खतरा बना हुआ है कि जो दो सुपर पावर हैं वो ज्यादातर मुद्दों पर टकराव की स्थिति में ज्यादा हैं, सहयोग की स्थिति में कम, जबकि जिस तरह के संकट दुनिया के सामने है उसमें सहयोग की जरूरत है, देशों के आपस में साथ आने की जरूरत है, जैसा हमने अक्सर चर्चा की है। और चीन ये भी कहता रहा कि अगर आप पश्चिम की तरफ देखें, जो वहां पे जो डेमोक्रेसीज हैं, जो लोकतंत्र हैं, वहां पर ज्यादातर आपसी टकराव है, पोलराइजेशन है, एक माइग्रेंट क्राइसिस है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, वो सही से काम नहीं कर रही, तो कई तरह के संकट वहां भी सर उठाए खड़े हुए हैं। तो अगर हम इसी को बात को आगे बढ़ाते हुए जो समस्याएं हैं यूरोप के दरवाजे पे भी उसको देखें, तो बेलारूस और पोलैंड के बीच में जो माइग्रेंट क्राइसिस है, वहां पर किस तरह का खेल आप देख रहे हैं? वहां पर तापमान गिरा, लोग वहां पे हैं, लोग मरे हैं। बेलारूस का ये कहना है कि ये गलतियां हैं यूरोप की, जो नीति है उसकी वजह से ये सब हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ी हो रही है।
वो अपने यहाँ लगे सैंक्शंस के बदले में ये सब कार्रवाई कर रहे हैं, एक तरह से ऐसा देखा जा रहा है। तो इस संकट को भी हम देख रहे हैं कि ठीक तरह से ये मैनेज नहीं हो रहा है, रूस भी इसमें कूद पड़ा है। रूस ने कहा है कि जिस तरह आप ट्रीट कर रहे हैं माइग्रेंट्स को वो सही नहीं है। देखिए, माइग्रेंट क्राइसिस जो है ये 2021 में शुरू नहीं हुई है। माइग्रेंट क्राइसिस तो पिछले कई वर्षों से यूरोप के दरवाजे खटखटा रहे हैं। 2014-15 से लगातार यूरोप के दरवाजों पर माइग्रेंट्स का लगातार दस्तक दी जा रही, और कारण यही है पश्चिम एशिया में, अफ्रीका में जो अस्थिरता है, और जितनी जितनी अस्थिरता वहां बढ़ी है, अस्थिरता बढ़ी क्यों है उसके बारे में भी कई चर्चाएं होती हैं कि अस्थिरता का कारण क्या है। बड़े मायने में पश्चिमी देश इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अस्थिरता की, उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। ये उन्हीं का, अगर आप पूरी इतिहास देखें जिस तरह से कुछ वर्षों में चलाया, चाहे 2001 के बाद की स्थिति देखें या उसके पहले की स्थिति देखें, तो जिस तरह के अनगवर्न्ड स्पेसेस अफ्रीका में और पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते गए हैं, लोग लाचारी में वहां से भागने को मजबूर लगातार हो रहे हैं, और इसी में सारी पॉलिटिक्स देशों के बीच में चल रही है। कुछ समय पहले टर्की जो है यूरोप को धमकी दे रहा था कि अगर आपने सहयोग नहीं किया हमारे साथ, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं सीरिया के साथ या कर्ड्स के साथ, उनमें सहयोग नहीं किया तो हम माइग्रेंट्स का ऐसा सैलाब आपके देशों में भेजेंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे। और लगातार गरीब छोटे माइग्रेंट्स जो है, बच्चे महिलाएं, वो देखिए कोई समुद्र के रास्ते जाता है, वहां लगातार एक्सीडेंट होते हैं। तो बेलारूस भी उसी का एक हिस्सा है। अभी आपने इंग्लिश चैनल पर देखा फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में झगड़ा हो रहा है, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस लगातार सनातनी में बैठे हुए हैं इसी माइग्रेंट क्राइसिस को लेकर के। तो यूरोप का जो स्वरूप है, यूरोप की जो पॉलिटिक्स है, वो माइग्रेंट क्राइसिस की वजह से बदलती जा रही है। और हर यूरोपीय देश, एक तरफ तो जहां तक यूरोप कहते हैं कि वो नॉर्म्स और वैल्यूज के बारे में बड़े जोरों से अपनी बात रखता था, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, इक्वालिटी, सब लोग बराबर है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, जब रोहिंग्या रेफ्यूजी आने की बात होती थी या फिर बांग्लादेश रेफ्यूजी आने की बात होती थी, तो बार बार छोटे छोटे देशों को कहा जाता था, भारत जैसे देशों, गरीब देशों को बोला जाता था कि माइग्रेंट्स का पूरा ख्याल रखें। एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, UNHCR, और उसके अलावा जो UN कमीशन रेफ्यूजीज है, कई सारी संस्थाएं हैं जो बनाई इसीलिए गई हैं कि ह्यूमन राइट्स, इस तरीके जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं उनकी रक्षा कैसे की जाए। लेकिन इन सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की आजकल कहीं तो चलती नहीं, यूरोप सुनने को तैयार नहीं है। यूरोप बार बार कोशिश कर रहा है कि जो पूरा डिबेट है वो पीपल स्मगलिंग पर हो, कि लोग तस्करी कर रहे हैं लोगों की, हमारा काम उनको रोकना है, वो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन जो मूल समस्याएं हैं जिसकी वजह से माइग्रेंट्स इतनी भारी मात्रा में आ रहे हैं, चाहे राष्ट्र आपस में तनातनी कर रहे हैं, आपस में पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, हर देश अपने अपने जो है रोटी सेकने की तैयारी कर रहा है, बेलारूस अपनी रोटियां सेक रहा है, रूस अपनी रोटियां सेक रहा है, और बाकी अगर आप फ्रांस और यूके का भी स्टैंडर्ड देखें उसमें भी यही स्थिति चल रही है। तो फंडामेंटली जो हो रहा है, जो वास्तव में जो आज की पॉलिटिक्स, देशों के अंदर की पॉलिटिक्स, चाहे यूरोप में देखें, चाहे कहीं भी देखें, चाहे चीन में देखें, चाहे रूस में देखें, हर जगह जो स्थिति चल रही है, वहां एक तरीके से जो राज्यों का नियंत्रण है अंदर की स्थिति पर, वो कमजोर पड़ता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ढीला पड़ता जा रहा है। और चाहे हमने बात की है कोविड की बात की है, चाहे हमने ट्रेड वॉर की बात की है, और चाहे हम ये माइग्रेंट क्राइसिस की बात कर रहे हैं, ये समस्या मेरे विचार में इन सबसे बहुत अधिक बड़ी है, ज्यादा गंभीर है, जिसके बारे में वास्तव में हर देश में विचार करना चाहिए कि इस स्थिति पर काबू कैसे पाया जाए, कैसे अगर स्टेट को सरवाइव करना है तो कैसे स्थिति नियंत्रण में लाई जाए। नहीं तो वो जो आज की स्थिति में, पहले यूके अलग हुआ यूरोप से, उसके बाद आज हो सकता है कुछ सालों में कुछ और देश के टूट 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 करके अलग हो जाएं, तो एक तरह से यूरोप यूनियन का भविष्य, यूरोप का भविष्य अपने आप में खतरे में आ जाता है। तो ये स्थिति सिर्फ एक जगह नहीं है, ये स्थिति सब जगह आ रही है। जी, हम देख रहे हैं कि ये स्थिति सब जगह आ रही है। जो ये क्राइसिस है अभी, जैसे अगर बेलारूस और पोलैंड की क्राइसिस देखें तो उसको ये भी कहा गया है, ईयू ने ये कहा है कि वो एक हाइब्रिड वॉर है जो कि लुकाशेंको ने खड़ा किया है। और क्यों खड़ा किया है उन्होंने, अपने
इनको जियोपॉलिटिकल वजहों के लिए, अपने सामरिक फायदों के लिए भी इस्तेमाल किया जाए? जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि हर देश अपनी अपनी रोटी सेकने को तैयार है, और लुकाशेंको भी यही कर रहे हैं, रूस भी यही कर रहा है, क्योंकि उनको मौका मिल रहा है एक तरीके से, जो यूरोप के साथ उनकी जियोपॉलिटिकल राइवलरी है, तो कैसे अपना अपना उल्लू सीधा किया जाए। पहले भी मैंने जैसे चर्चा की थी कि तुर्की के साथ भी, तुर्की ने भी यूरोप को धमकी यही दी थी, तो ये सिलसिला काफी समय से चल रहा है, और इसमें जो फंस रहे हैं वो इनोसेंट लोग फंस रहे हैं, जो मासूम लोग हैं, जो फेसबुक की पोस्ट पढ़ करके, वो क्या रहा है, फेसबुक पर पोस्ट पाती है ये आज की जो हमारी सूचना व्यवस्था है वो भी देखिए, फेसबुक पर पोस्ट आती है कि बेलारूस से रास्ते खुल गए हैं, वहां से जाने के साधन मौजूद हैं, फौरन बेलारूस पहुंच जाइए, और तमाम देखे कि लोग एयरलाइन जहाज पर जैसे भी हो बेलारूस पहुंच जाते हैं फेसबुक पोस्ट पढ़ करके। तो इसमें कई सारी चीजें एक साथ काम कर रही हैं, सिर्फ एक चीज नहीं है, और इन सारी चीजों के साथ संगठित होने की वजह से एक क्राइसिस बिल्कुल सही रूप से यूरोप के दरवाजे पे, यूरोप के जो मुख्य द्वार हैं उन पर खड़ा हुआ है, यूरोप जिसको हैंडल करने की स्थिति में आ नहीं पा रहा है कि कैसे इस स्थिति को हैंडल किया जाए, क्योंकि उनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स भी है। अगर माइग्रेंट्स बड़ी मात्रा में आते हैं तो होता क्या है, यूरोप में आप देख रहे हैं कि जो रेसिज्म है वो बढ़ता जा रहा है, माइग्रेंट्स के खिलाफ आवाजें उठती जा रही है, उनकी जो अपनी सोसाइटीज है उसके अंदर द्वंद शुरू हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा है। तो वास्तव में जो स्थिति है अगर आप देखें, तो जो एक मॉडर्न नेशन स्टेट बना था 20वीं सदी में, उसको आज मैं कहूंगा कोविड के माध्यम से और कई अन्य माध्यमों से एक चेतावनी मिल रही है कि ये जो व्यवस्थाएं आपने निर्मित की हैं, जो संस्थाएं आपने निर्मित की हैं अपने अंदर या फिर विश्व व्यवस्था के संचालन के लिए, उन पर अब खतरा आ गया है। और अगर ऐसे ही चलता रहे तो कोई भी स्टेट से देखिए, हम अनगवर्न्ड स्पेस की बात करते रहते हैं, हम कहते रहते हैं कि अफ्रीका में ऐसे ऐसे प्रांत हैं, ऐसे ऐसे प्रदेश हैं, ऐसी ऐसी भौगोलिक इकाइयां हैं जिन पर किसी का नियंत्रण नहीं है, जो बिल्कुल अनियंत्रित हैं, वेस्ट एशिया में है चाहे, पर समस्या ये नहीं, समस्या ये है कि ये जो अनियंत्रित भौगोलिक इकाइयां हैं, ये सिर्फ इन देशों में नहीं है, ये सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं है, ये सिर्फ सब सहारन अफ्रीका में नहीं है, आज ये जो अनियंत्रित भौगोलिक इकाइयां हैं वो पेरिस में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, हर जगह, हर देश में अपना मुंह खड़ा कर रही, और इनको कोई भी राज्य कैसे इनके इनका सामना करे। तो इसीलिए जो आप रिएक्शंस देख रहे हैं, इस तरीके के नीजक रिएक्शंस, जो कि वास्तव में एक बहुत गलत तरीका है कि एक नीजक रिएक्शन है, चाहे वो कोविड के मामले में हो, चाहे वो माइग्रेंट्स के मामले में हो, चाहे वो ट्रेड वॉर के मामले में, बड़े ही नीजक रिएक्शंस, सिर्फ इफेक्ट देख करके कि इसका मेरे आज इसका क्या परिणाम होगा उसको लेकर के तुरंत कोई ना कोई एक्शन ले लिया जाता है बिना उसके दूरगामी परिणामों को सोचने के। तो वास्तव में मेरे विचार में एक चैलेंज उत्पन्न है, जो पुरानी हमारी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है मल्टीलैटरलिज्म की, WHO, यूनाइटेड नेशंस, जितनी जितनी संस्थाएं हमने, चाहे ह्यूमन राइट्स, चाहे रेफ्यूजी मैनेजमेंट, UN, सारी सारी हमने खड़ी की हैं, उन सब के लिए आज ये चैलेंज है, और चैलेंज तभी राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए भी हो रहा है कि कैसे इनका सामना किया जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि इस समय जो भी विश्व व्यवस्था रही है और उनको चलाने के लिए जो हमारी संस्थाएं रही हैं, उनके सामने बड़ी चुनौती है, उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये अपना काम ठीक तरह से कर रही हैं। और जो आधुनिक नेशन स्टेट है उसको कई क्षेत्रों में चेतावनी मिल रही है, चाहे वो माइग्रेंट क्राइसिस हो, चाहे वो कोविड जैसी महामारी से निपटने की बात हो, तो इसमें ये भी सोचने की जरूरत है कि विश्व के जो बड़े देश हैं और जो देश हैं उनकी क्या नियत भी है इसको, इससे जूझने की, इस संकट और इस चुनौती से, या ऐसे ही नीजर्क रिएक्शंस हम देखेंगे जो एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है दुनिया के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के इस एपिसोड में इंडियाज वर्ल्ड में इतना ही।